आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू। इसके लिए हमें चाहिए छोटे आलू जो मैंने छीले हैं, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही और काजू का पेस्ट। और इसके साथ हमें चाहिए हल्दी, भुना हुआ जीरा, तेल, कस्तूरी मेथी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक। और इसके साथ हमें चाहिए फ्रेश क्रीम, शक्कर, हरी मिर्च, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और ज़ीरा। हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम आलू को डीप फ्राई करने के लिए तेल में डालेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। दम आलू की ग्रेवी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल। इसके साथ जाएंगी दो बड़ी इलायची, चार छोटी इलायची, एक दालचीनी, दो लौंग, पांच काली मिर्च, जीरा, एक छोटा चम्मच, एक तेज़पत्ता। अब हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब इसके साथ जाएगा एक कटोरी प्याज। अब इस प्याज को हमें अच्छी तरीके से भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है। आप देख सकते हो हमारी प्याज फ्राई हो रही है। आपको ध्यान रखना है कि ये प्याज लगे नहीं, जले नहीं, अच्छी तरीके से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। हमारी प्याज अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ जाएगी छोटा चम्मच हल्दी, छोटा चम्मच जीरा रोस्टेड। अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच मिर्च पाउडर और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगी हरी मिर्च एक जो मैंने बारीक कटी हुई है और इसमें जाएगा दही एक बड़ा चम्मच। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसको दो मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हो हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी एक छोटा चम्मच नमक। इसको मिक्स करूंगी। अब मैं डालूंगी इसमें एक कटोरी पानी और इसको उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारा मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है, तेल भी ऊपर आ चुका है। अभी इस मिक्सचर को हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है। ये हमारा ग्राइंडेड बैटर है। बैटर पीसने से पहले मैंने तेज पत्ता हटा दिया था। अब हम इस बैटर को अच्छी तरीके से छान लेंगे ताकि सारे गरम मसाले के छिलके अलग हो जाए और हमें एक स्मूथ सा पेस्ट मिल जाए। ये हमारा छना हुआ पेस्ट है। हमारी कढ़ाई अच्छी तरीके से गरम हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये पेस्ट। इसमें अच्छा सा उबाल आने तक हमें इसको पकाना है। अब आप देख सकते हो हमारे करी में अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी एक बड़ा चम्मच काजू का पेस्ट। अब इसमें जाएंगे हमारे फ्राइड किए हुए आलू। अब इसमें जाएगी एक छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी और चुटकी भर शक्कर। अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पांच मिनट उबालने के बाद हमारी ये ग्रेवी अच्छी तरीके से थिक हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी क्रीम। क्रीम मिलाने के बाद हमें अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। ये हमारी दम आलू रेडी हो चुका है।